अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंदन। सैसी सिजन उभरे चौरासी चंडन बिला रिय प्रियन सब उंदा ही भाया भलारे भिटाए जे भलारे बैत सा मुझी आवाज मुसाफिर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन त थी दुनिया जी कुंड कुड़छ ताई जहाँ माग बुधजे पियो उन मिनी मेहरबान के सिख भरियो सलाम शाल कबूल पवे। 27 सितंबर आचर जे डी प्रोग्राम सोच विचार खणी आऊं अवां जी खिदमत में हाजिर रहूं जो पेंजो मेज़बान हबीब लगारी। तोड़े जो मुल्क में अञा ताईं कोरोना जा कलूर खत्म नाहिन थिया पर उन बावजूद एहतियाती तदबीरन तहत आहिस्ते आहिस्ते स्कूल खुली रहा है। पाकिस्तान में प्राइमरी मिडिल स्कूल भी 28 सितंबर का खुलिया वेंदा यानी सुभाणे खां स्कूल खुली वेंदा। पर जेकर असीं ॾिसूं त असां वटि हशर इहो आहे जो हिकिड़े ई क्लास में हिकु हिकु सौ शागिर्द वेहनि था बराड़ी जा प्राइमरी स्कूल जिन में न कमरा न काश है। तोड़े जो शहर जा स्कूल जिन में सहूलतनि जी अणहूद आहे उते एहतियाती तदबीरनि ते अमल करणु नामुमकिन तोड़े जो मुश्किल लॻे थो। पर तंहिं हूंदे बि पंहिंजे बचाव ख़ातिर एहतियात वरी बि पाण खे करणो आहे। सिर्फ़ एहतियाती तदबीरूं ॿुधाए हथ कढी वेंदियूं आहिनि पाण खे पंहिंजी ईंदड़ नसल बचाइणी आहे ऐं पाण खे पंहिंजा ॿार महफ़ूज़ रखणा आहिनि हिननि वबाउनि खां। छो त कोरोना जी वबा अहिड़ी वबा आहे जंहिंजो दुनिया अञा ताईं इलाज ॻोल्हे बि न सघी आहे। इन जो इलाज फ़क़्तु एहतियात आहे। जेकॾहिं असीं एहतियात न कंदासूं त कोरोना जी वबा जो शिकार बि थी सघूं था। दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में इंतिहाई आला क़िस्म जा क़दम खया वञनि था पर असां वटि बे इंतिज़ामी जे करे मिसकिन माण्हू घणो भोगे थो। ख़ासि करे ॾिहाड़ी ते मज़दूरी कंदड़ मज़दूर भोगीनि था। पाण ॾिठोसीं जॾहिं हुकूमत इमदाद जो ऐलान कयो त उहा इमदाद मिसकिन माण्हू ताईं पहुची कोन सघे। लॉकडाउन जे मुतासिरनि ताईं सिर्फ़ु साबुण पहुची सघिया ॿियो वञी कुल ख़ैर थियो। इन जे करे पाण माण्हुनि खे पंहिंजी जदोजहद करणी आहे। रोज़गार जा वसीला बि पंहिंजा ॻोल्हणा आहिनि महिनत मज़दूरी बि करणी आहे पर उन सां गॾो गॾु एहतियात करणो आहे। न सिर्फ़ु पंहिंजे पाण लाइ एहतियात करणो आहे पर पंहिंजनि मासूम ॿारनि खे बि बचाइणो आहे। छो त इलाज खां एहतियाती बहितर हुजे थो। प्रोग्राम खे ध्यान ऐं मुहबत सां ॿुधण लाइ अव्हां जा लख थोरा। दोस्तो हाणे उहा मौसम बि मोटे पई जल मुर्शद लतीफ़ चयो हो सर निसरिया पांदो उतर लॻा आओ पिरी। पर उन उतर लॻा आओ पिरी वरी मुंद में जॾहिं उतर जूं औतूं ईंदियूं तॾहिं मिसकिन माण्हू जा अहंज वधंदा जिन जो अंदाज़ो सिर्फ़ु अहसासु दिलि माण्हू ई लॻाए सघनि था। छो त सिंध जे अक्सर इलाइक़नि में बरसाती बोड़ जे करे केतिरा ई माण्हू दरबदरी जो दर्द भोगे रहिया आहिनि। वाहन शाखनि ऐं रोडनि जे किनारनि ते वेठल उन्हनि माण्हुनि जे तकलीफ़ जो अंदाज़ो पाण बि लॻाए सघूं था। मुर्शद लतीफ़ अहिड़नि हालतुनि जी अकासी कंदे लिखियो हो उतर ॾिनी ओत न मूं सवड़ न घबरो चारे चुनी पोत मूं रेड़ींदे राति वई। दोस्तो हींअर जॾहिं सियारो अचे तॾहिं पंहिंजे ओड़े पाड़े में बि ॾिसिजो ऐं ॾिसिजो किथे कंहिंजी राति रंजायत न गुज़री, किथे कंहिंजा ॿार सॼी राति ॾकंदे त न सुथा ऐं किथे को सीअ खां बचण लाइ सॼी राति हथ सेकींदो रहियो। दोस्तो हीअ दुनिया मुसाफ़िर खानो आहे, पाण पल जा मुसाफ़िर आहियूं, कंहिं वक़्तु सफ़र ते निकिरी वेंदासूं। पंहिंजे संग में केतिरा ई माण्हू हुआ जेके असां खां अॻु विछड़ी चुका ऐं पंहिंजो वारो बि अचण वारो। इन जे करे जेतिरो थी सघे धरती जी मदद कयो, धरती जे माण्हू जी मदद कयो ऐं धरतीअ ते अमन जा गुलाब पोखियो, मोहबतनि जा वण लॻायो त जीअं पंहिंजो आईंदो रोशन ऐं प्यार भरियो थी सघे। कणा मंझ करार हिकांदा जे हुआ
गाहे गा फिराक जे कै धारों धार न जाना बिहार केर मिलंदो कैसी वरी गाल बे सोवाना सचिया पर जडें बे पाण वञूं त चवण वारा ये बि चवन जीअं अहमद खान मदहोश चई छॾियो हो मां पखी हां प्यार जो प्यार जे इज़हार जो कहीं गरीब काम शरण थी पवे वादे जी मुझे यार रखे वे शरण थी पवे हाओ मजा ए दोस्तों नकल न थी पवे दाहू न कर ए दादना दाहू मजा मता दिल दिल रबादी में नमा पत्थर न थी पवे मां पखी हां प्यार जो प्यार जे इज़हार जो ओ धार जो न मार जो मुखे धार जो न मार जो मां पखी हां प्यार जो प्यार जे इज़हार जो हार जो न मार जो मुखे धार जो न मार जो धार जो न मार जो मुखे धार जो न मार जो मां पखी हां प्यार जो प्यार जे इज़हार जो धार जो न मार जो धार जो न मार जो धार जो न मार जो मुखे धार जो न मार जो वास्ते अल्लाह दे प्यार जो तो फेरनो वास्ते अल्लाह दे प्यार जो तो फेरनो मेरनो ई मेरनो मोहब्बत जो गेरनो मेरनो ई मेरनो मोहब्बत जो गेरनो नफरत दे पार दे कीमती उदार जो नफरत मुझे पार दे कीमती उदार जो धार जो न मार जो धार जो न मार जो धार जो न मार जो मुखे धार जो न मार जो मां पखी हां प्यार जो दिल भुरियों ही दिल तशू दिल भरियों न तोड़ जो दिल भुरियों ही दिल तशू दिल भरियों न तोड़ जो धार थी न धार जो गद घड़ियों गुजार जो धार थी न धार जो गद घड़ियों गुजार जो धार जो न मार जो धार जो न मार जो मां पखी हां प्यार जो प्यार जे सहार जो धार जो न मार जो मुखे धार जो न मार जो धार जो न मार जो धार जो न मार जो मत होश दे मरी होश जे मरी बने होश के संभाल जो महकंदे
सिंध धरती जी तवील तारीख शाहिद है त सिंध जे मान जदोजहद जे मैदान में हर कदम ते पान मल्हायो आहे। वन यूनिट हुजे या एमआरटी तहरीक हुजे, हर कदम ते साबित कदम बीही हुनन जेलूं भी भरियूं त वरी केतरियूं मुश्किलातूं बर्दाश्त भी कयूं। पर दोस्तों हिन वक्त जेको ॾुखियो दौर हले पियो, अहिड़ो दौर कॾहिं बि न आयो। अॻे ईअं हूंदो हो जेलनि में सियासी क़ैदी वॾे मान मर्तबे सां रहंदा हुआ ऐं ख़बर हूंदी हुई त हीउ सियासी क़ैदी आहे। तॾहिं इज़हार जी थोरी घणी आज़ादी हूंदी हुई, पर अॼु जॾहिं को बि माण्हू सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि करे थो तॾहिं खेसि खंभे गुम कयो वञे थो। असांजा मासूम नौजवान खंभे गुम कयल आहिनि। सिंध हाई कोर्ट जी तुड़ जो इहा ॻाल्हि बि सवाना सची त जितां बि माण्हू खंभजी वञे उन थाणे जे हद जे एस एच ओ मथां केस दाख़िल कयो वञे। पर दोस्तो एस एच ओ जी बेवसी पाण बि ॼाणूं था, जेके माण्हू ॿियनि मिसकिननि खे खंभे था वञनि, जेके जदोजहद जे मैदान में बीठल माण्हुनि खे खंभे था वञनि, छा अदालतूं तोड़े इख़्तियारियूं उन्हनि खां अणॼाण आहिनि? कॾहिं बि न। पाण बसि इहो चाहियूं था त सिंध जे नौजवाननि खे आज़ादु कयो वञे। जेकॾहिं रियासत सम्झे थी त उन्हनि जे मथां के इल्ज़ाम आहिनि त उन्हनि खे अदालतनि में पेश कयो वञे त जीअं हूअ पंहिंजी बेगुनाही साबित करे सघनि। प्रोग्राम सोच वीचार में हाणे शामिलु करियूं था ख़ूबसूरत शाइरी। अॼु को शाइर आहे हलीम बाग़ी। हलीम बाग़ी पंहिंजे ग़ज़ल में लिखे थो त असां जीअं बि जीए भला को जहां में सदाई निशां ते सदा इम्तिहान में, कॾहिं आंधी उलड़े कॾहिं कड़के बिजली, किथे कख रहियो आहे मुझे आशिया में, पिरीं छा कजे पल वञनि था उॾाणा, पिरीं छा कजे पल वञनि था उॾाणा, हलियो हलियो आओ अॼु छा रखियो आहे सुभा में, न का आरज़ू आहे न का जुस्तजू आहे, किथे कारवान वक़्त न महिरबा में, कॾो का सुकासर अड़े मिर्ग मर्क अड़ाई उभो आ अखियूं आसमां में, वरी जे वलोड़नि मुझाए रखियो आ कमे इश्क हाणे रहियो छा असां में, ही हालार जा पुट हू म्याणी हू टल्टी, हू हालार जा पुट हू म्याणी हू टल्टी, असां जूं निशानियूं सॼे गुलिस्तां में, उहे ई कटारा उहे ई उलारा अञा तीर आहिनि असांजे कमां में, सितारा न चवंदा त छा तूं न ईंदे, अड़े यार छॾ वेही वही राय गां में, बटे गीत वारियम बटे दीप बारियम बटे फूल हारियम तुझी आजिया में, असां बन में जेके बि रातियूं लुटायूं, पिरह मुख ते झूमक जीआ से सजायूं, न पाती असां का बि माल न पाती, चबेलियूं वलियूं हर आंगण ते लॻायूं, उहा माठ मकली चई ॾे असां तो में केॾियूं कहाणियूं लिकायूं, तूं अॼु बणज कींझर मां बणजां थो ॿेड़ी, वरी छोलियुनि में समुंड को समायूं, पए चंड तड़पियो सितारा पे मछरिया असां तुंहिंजो पलकूं चपन ते घुमायूं, हीअ लुड़कनि जा मोती हीअ आसन जा खंडर ही पंहिंजूं कमायूं ही पंहिंजूं लुटायूं, असीं जोगी नीरे नगर जी कंधी ते प्या जूण कंहिं चंड जिम चुमण लाइ मटायूं। ऐं हाणे अचो त हलीम बाग़ी खां हलीम बाग़ी जे आवाज़ में संस नज़म ॿुधूं। सरमदे गीती मंसूर जो हम निशां हुन जे नाले खां ॾकंदड़ मनात योज़ा, सरमदे गीती मंसूर जो हम निशां
उन जे नाले खां डकंदर मनात उज़ा उन सां लश्कर खजाने सां राकश लड़िया उन चयो मूल काफ़ी आ मुंहिंजो खुदा उन ज़माने जी खोटी रिवायत भॻी उन चयो माण्हू माण्हू आहे यज़दान आहे उन ज़माने जी खोटी रिवायत भॻी उन चयो माण्हू माण्हू आहे यज़दान आहे सिर खुदा जे अॻियां जो झुके सो झुके ॿियो परस्तश जे लाइक़ को इंसान आहे हुन जे ॾींहनि में सुफ़ेद पगड़ियूं ॿधल अहल तस्बीह बि आहे अहल तकवा बि आहे हुन जे ॾींहनि में सुफ़ेद पगड़ियूं ॿधल अहल तस्बीह बि आहे अहल तकवा बि आहे बुत परस्तीअ सां अटकण जी ज़रूरत न हुई अहल मनसबु ॿारण जा जोधा बि आहे हिकिड़ो मर्द कलंदर सफ़ा ना तव्हां जंहिंजी दस्तार फाटल लीरूं हुई जंहिंजे कपिड़नि ते चतियूं ऐं पेवंद हुआ जान ताननि जे तीरनि सां सीरूं बि हुई हुनजी ललकार सां लड़ आबुत कदा चंडू खाननि जी चाउंट बि धुरकण लॻी किन त सजाद पोशन जा पटका ॾुरिया दिलि फ़क़ीरनि जी तीरनि जी फतकण लॻी ऐं मसन नशीनो घणो ई थियो हाणे दरगाहूं तकिया बि ख़ाली करियो ऐं मसन नशीनो घणो ई थियो हाणे दरगाहूं तकिया बि ख़ाली करियो थो मलाइक जो मसजूद इंसान अचे उन जे भेजे में गांजा नाफ़ियूं भरियो लाड तुंहिंजी लुटियल सींद लुटबी रही काल जलियो ठटो अॼु कलाची बि वई अॼु तमाचीअ जे तड़ सां मुहाणा तड़िया अॼु आमीअ फापीअ जी मैयत उथी ऐं ज़माना असांजो कबीलो कुठो खून नाहक जी कंहिंसां शिकायत न आहे तुंहिंजी ओछीअ रविश जी न परवाह अथऊं खून आशिक में लेकिन हरारत न आहे मक़तलनि जे भितियुनि ते पढ़ी थो त पढ़ ॿी शहीदनि जे रत जी कहाणी न आहे हिकु बिलावल हो घाणे में पीड़ियो वियो हिकिड़ो सैयद आहे जंहिंजी पुॼाणी अवीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार ऐं सोच वीचार साण करे मुंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी प्रोग्राम में हाणे सिलसिले ॾाहनि जा कोल तरफ़ अचूं था अॼु असां प्रोग्राम में शामिलु करियूं था रहबर सिंध मुफ़्किर आज़म साईं जी एम सैद जा कोल असूल ऐं ज़मीर ते हली अकेलो रहिजी वञिजे बजाए हुनजे त ख़ुदि ऐं ख़ुदिदारी खे ख़तमु करे कामयाबी ऐं ताक़त हथ कजे वक़्ती सबर ऐं सुलह ज़माने जे दस्तूर मूजिबि आर्ज़ी कामयाबी खे पहुचाइनि था बहितर इहो आहे त मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिजे अदब क़ौमी ज़िंदगी जो आइनो हूंदो आहे उन करे सिंधी अदब खे वतन जी मोहबत ऐं मारवाड़नि जी सिक सां भरपूर करणो पवंदो ज़हनी ऐं मादी आज़ादी असांजे जनम जो हक़ आहे पर उन्हीं जी हासिलात क़ौमी शऊर क़ुर्बानी ऐं इख़लाक़ जी बुलंदी खां सवाइ मुश्किल आहे को बि शख़्स ओसिताईं इनफ़रादी तरक़ी ऐं दाइमी इज़त हासिलु नथो करे सघे जेसि ताईं उन जी क़ौम आज़ादु मुनज़िम ऐं तरक़ी याफ़्ता नाहे बेइज़ती बुज़दली बेहिमती बदइख़लाक़ी क़ौमी ज़िंदगी लाइ मौत जे बराबरि आहे क़ौमी इमारत जो मुख्या पायो ॿोली या ज़ुबान आहे जे ॿोली सलामत नाहे त क़ौमी इमारत जो ख़ैरु कोन्हे क़ौमनि जो वजूदु संदसि ज़ुबान ज़िंदा हुअण सां रहे थो हर क़ौम खे पंहिंजी ज़ुबान ऐं सकाफ़त हूंदी आहे जीअं माण्हू फ़ानी आहे तीअं संदन पैदा कयल नज़रिया बि आर्ज़ी थियनि था क़ुदिरत जूं पैदा कयल क़ौमूं ई बका माणनि थियूं क़ौमूं फ़र्दनि जी क़ुर्बानी सां ई बणबियूं ऐं तरक़ी कंदियूं आहिनि क़ौम मुल्क खां सवाइ ठही नथी सघे ऐं ज़ुबान कंहिं क़ौम खां सवाइ का हैसियत नथी रखे क़ौमनि जो वजूदु अक़ीदनि जे बुनियाद ते रखणु ग़लति आहे कल्चर हिकु अणखुटी इज़हार ख़्याल जज़्बे ऐं अमल जो नालो आहे जहिड़ी तरह सारी इंसान ज़ात बुनियादी तरह हिकु जिन्स आहे पर सुञाणप निज़ाम लाइ क़बीलनि ऐं क़ौमनि में विरिहायल आहे हर क़ौम जो कल्चर या सभ्यता जो ज़ख़ीरो संदन अदब ज़रिए महफ़ूज़ रहे थो सिंध हुसन सुर संगीत सखावत फ़न ऐं फ़िकर मोहबत ऐं इंसान जे आला गुणनि जी सदा सुहागण सरज़मीन रही आहे हुबुल वतनी सिंधी किरदार जो मुख्य जुज़ो आहे
लतीफ साईं असांजी क़ौमी सुञाणप आहे। लतीफ़ सिंध जी हुबल वतनी, सखावत सर्वे जी कदीम रिवायतनि ऐं मक़सदनि लाइ सिर ॾियण वारनि ख़ासियतनि खे सतनि सुरमनि जे रूप में ॻाए पंहिंजे रिसाले में ज़िंदा करे छॾियो आहे। राग रूह जी राहत ऐं दिमाग़ जी तरावत जो बाइस थिए थो। कुशादा दिली राग सां गंढियल आहे ऐं सचाई इख़लाक़ सां वाबस्ता आहे। ज़िंदगी ख़ुदि हिकु वॾो रक़्स आहे। सियासी ग़ुलामी जो धक आर्ज़ी आहे। क़ौमी किरदारु, कल्चर ऐं ज़ुबान जी कमज़ोरी ऐं पस्ती दाइमी क़िस्म जी ग़ुलामी आहे। इंसान जी क़ौमी हस्ती सिर्फ़ु पंहिंजी सकाफ़त खे ज़ोर वठाइण सां ई सलामत रहे थी। फ़लसफ़ी मूंखे मासूमियत खां ॿाहिरि कढी शकनि जी दुनिया में धकेले छॾियो। फ़लसफ़े मूंखे मासूमियत खां ॿाहिरि कढे शकनि जी दुनिया में धकेले छॾियो। फ़लसफ़े मूंखे इश्क जी माना ऐं मतिलब सां शनाख़्त कराई। फ़लसफ़ो इल्म जो जौहर आहे, उन खां सवाइ इल्म बेजान आहे। तारीख़ मूंखे ज़मीन जी सदियुनि खां लिकियल ख़ज़ाननि जी ख़बर ॾिनी। आऊं जंहिं ॻाल्हि खे हक़ सम्झां थो, उनखे लिकाइण गुनाह सम्झी सच जे ॾियण में हिबका नथो। सादगी वॾे में वॾो हुसन आहे। सादगी फितरत जी ॾात आहे ऐं नुमाइश ऐबनि जो लिकाइणु आहे। वक़्ती मुसलहतनि जे बुनियाद ते इख़लाक़ी मयार खे ख़तमु करणु दानिशमंदी न आहे। हयाती जे हर लम्हे खे क़ीमती ॼाणे, उनखे नफ़्सियाती ख़्वाहिशनि खां आज़ादु करे इंसान ज़ात जी भलाई लाइ कमु आणिजे। सचु उहो आहे जंहिंजो इक़रार करण लाइ सां सख़्तु मुखालिफ़ पिण पाण खे मजबूर भाइनि। असांखे वजूद वञाइण यानी फ़र्द खे इंसान ज़ात जे मुफ़ाद लाइ इशार ऐं क़ुर्बानी जो सबक़ सेखारिणो आहे। अमल सालेह कुंजी आहे मतलूब खे पहुचण जी। सही ऐं आला मक़सदु उहे ई थी सघनि था जिन मां शख़्सी फ़ाइदे जे एवज़ मुल्की ऐं क़ौमी फ़ाइदे जो हुसूल थिए। सही गुफ़्तगु उहा थी सघे थी जा सचाई ते मबनी हूंदी आहे, उहा खुलियल ऐं ख़लूस वारी हुअणु घुरिजे। इंसान जेकॾहिं बुरो कमु करे थो त उन लाइ बि जवाज़ु ॻोल्हे थो। उहो कुदरत जो कानून आहे त हर कम लाइ तज़ीम ऐं तरबियत जी ज़रूरत थिए थी। आज़ादी हुसन आहे ऐं ग़ुलामी खां वधीक बि का बि बदसूरती न आहे। हर हिकु माण्हू आज़ादु पैदा थियो आहे ऐं आज़ादी संस जनम जो हक़ु आहे। मुंहिंजी मोहबत ऐं नफ़रत, दोस्ती ऐं दुश्मनी जो मर्कज़ सिंध रही आहे ऐं रहंदी। क़ौमी जज़्बो ऐं आज़ादी जी ख़्वाहिश सिंधियुनि जे रिवायतनि जो मुख्य जुज़ो पई रहिया आहिनि। जंहिंजो हाल दुरुस्त न आहे, उन जे रोशन मुस्तक़बिल जी उमेद रखणु बेसूद आहे। जिते सूंह आहे, उते ख़ुदा जो नूर आहे। हुसन इश्क जो कारण ऐं रूह जी राहत आहे। हुसन ख़लकत काइनात जो मुहरक आहे। जीअं गुलाब जे गुल सां कंडा बि शामिल रहनि था, अहिड़ी तरह हर ख़ूबसूरत नज़ारे पोयां बदसूरती बि लिकियल रहे थी। ही हुया रहबर सिंध मुफ़्कर आज़म साईं जीअम सैद जा कौल। जान सारन मथा मंजिले इश्क जे चंड तारन मथा काकजी हर कंधी जे किनारन मथा दुश्मने सिंध के पाही सुरके पई सिंध मुरके 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 पई तुझे हीरन ऐं मोतन जी छोली दिसी सिंधी बोली जी लबड़न ते लोली दिसी तुझे हीरन ऐं मोतन जी छोली दिसी सिंधी बोली जी लबड़न ते लोली दिसी गर्दिशे गर्दिशे वक्त जी पिरोली दिसी सरज़मीने वतन प्यार परखे पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई कंहिंजे रंगे हिना जो ही सभु नूर आहे नरगिसे नेण जी का कही घूर आहे
कंहिंजे रंगे हिना जो ही सभु नूर आहे नरगिसे नेण जी का त ही घूर आहे कंहिंजे गीत कंहिंजे गीतनि जी छोली जो ही पूर आहे कंहिंजे नगमे ते दिलि मुंहिंजी रखे पई सिंध मुरके 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 पई हाण को भी न आजो बहारू खसे घोट तुंहिंजे तंबूरे जुतारू खसे हाण को भी न आजो बहारू खसे घोट तुंहिंजे तंबूरे जुतारू खसे कोई ओठी कोई ओठी उठन जूं महारू खसे मंज़िले इश्क मजनू खछिरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई हाय मुझे तखयुल जाए मजबी शाल जिंदा हुजी शाल सन में वसी बुलबुले बुलबुले दिल नरो रक्स में आज़मी चंड चोली जिया सिंध जरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई जिए जियारन मथा जान सारन मथा मंजिले इश्क जे चंद तारन मथा काक जी हर कंधिये जे किनारन मथा दुश्मने देश के पा इसुर के पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई बुलबुल खोरवाह जी शायरी सा ही खूबसूरत आवाज हो बीजल सिंधी जो अमी बुधी रहा आयो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन नई आवाम जो मेज़बान हबीब लगारी प्रोग्राम पेश कयो पियो वने सोच विचार जेकर अमी भी सोच विचार में शामिल थियण चाहियो था आई पंजो सोचूं पंजी शायरी पंजा के गीत अस सा वंड करण चाहियो था या बुझनण के बुधाए हण चाहियो था त पोए असने व्हाट्सएप कयो असने व्हाट्सएप नंबर आहे 03123245303 नंबर एक भेरो बीहर नोट कजो 03123245303 जेकरे पाकिस्तान का बाहर रहो था कें भी मुल्क में रहो था तपोए पाकिस्तान जो कोड 0092 मिलान नविसार जो हाँ प्रोग्राम में तारीख जा वर्क वरायूं था आई एक तारीखी वाक्यो अवां सां शेयर कयूं था तारीख जी दरी मां 4 मार्च जो वाक्य 4 मार्च 1967 सिंधी शागिर्दन जी सियासी जदोजहद जुरत अमल जो एक यादगार डी है जैसे राजपूताना अस्पताल हैदराबाद वाले हंध ते सिंधी शागिर्दन के जुलूस ते पुलिस लठबाजी करे समय शागिर्द जख्मी कया हुआ इन वाक्य जो एक वसीह पस मंजर है वन यूनिट दौर में मरकज पारा थींदड़ मुसलसल जातियुनि खिलाफ़ सिंधी माण्हुनि अंदरि हिकु सियासी ऐं क़ौमी सोच उभरी रही हुई उन करे हिन वाक़िए खे अयूबी आमरत ख़िलाफ़ आवामी उभार ऐं मज़ाहिमत जी अलामत ऐं सिंध जे हक़नि वारे सियासत जे सिलसिले में मुख मोड़ सम्झो वञे थो निंडीअ खंड जी मुस्लिम थोराई वारनि इलाइक़नि जे माण्हुनि जी सिंध ॾांहुं लॾ पलाण लियाकत अली ख़ान जे हामियुनि पारां कराचीअ जेकमाबाद ऐं नवाबशाह में थियल फिरकेवार फसादन 3 मई 1948 ते दस्तूर साज असेंबली जे ठहराव ज़रिए कराची खे सिंध खां खसे पाकिस्तान जे गादी जो हंधु बणाइण कौमप्रस्त सियासतदान जीएम सैयद खान अब्दुल गफ़ार ख़ान खे नज़रबंद करण परवडा ऐं एडो एक्ट हेठि सियासतदाननि खे नाइल करार ॾियणु बंगाल में ॿोली जो मसलो उथणु ऐं ढाका यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जो 22 फेबरवरी 1952 ते आम कोस थियणु बंगालियुनि ऐं निंडड़ सूबनि जी सघ खे वन यूनिट ज़रिए जिथणु अज़ीम तारीख़ी पस मंज़र रखंदड़ सूबनि खे ख़तमु करणु ऐं ख़ासि तरह सां वन यूनिट खां पोइ 1960 वारे ॾहाके दौरान अयूबी आमरत में थियल ज़्यादतियुनि ऐं महरूमियुनि जो अहसासु
सिंध में शिद्दत से महसूस कयो वियो। सिंध सियासी इक्तसादी ए सकाफती इस्तेहसाल जो शिकार थी वही। सिंधी तालीम के प्राइमरी तक महदूद करण लाए नाम निहाद शरीफ कमीशन जो पॉलिसियों महण और जनरल अयूब की मार्शला दौरान सिंध की सियासत सियासी हकन इजहार की आज़ादी के सलब करण खिलाफ जिते सिंध जहा अदीब शायर सकाफती मुहाज से मज़ाहमत कर रहा हुआ उते सिंध जहा कौमी सियासतदान मुख्तलिफ मुहाजन का जदोजहद में मसरूफ़ हुआ। नतीजे तौर साईं जी एम सैयद हैदरबख्श जतोई शेख अयाज काजी फैज़ मोहम्मद कामरेड गुलाम मोहम्मद लेगारी मोहम्मद उस्मान डीपलाई बेन वतन दोस्त मान के मुख्तलिफ जेल में बंद कयो वियो। किताबन ते पाबंदी लगाइण समेत छापखाना जब्त कया व्या। सिंधी फाइनल इम्तिहान के खत्म कयो वियो। सिंधी बोली गालहाइण सिंध लफ्ज लिखण ते पाबंदी लगाई वई। सिंध के साबक सिंध लिखण पढ़ण जा सरकारी हुक्मनामा कढ़िया व्या। 4 मार्च के वाक्य पुठियां वह डिघो सियासी पस मंज़र हो। हैदराबाद में राजपूताना अस्पताल लग 4 मार्च वारे थियल वाक्य इन तारीख़ जा बया भी कुछ मोहरक हुआ। उन वक्त सजे मुल्क वांगुर सिंध में सियासी बेचैनी इंतहा ते पहुंतल हुई। सिंध यूनिवर्सिटी के तालीम दोस्त वाइस चांसलर हसन अली अब्दुलरहमान के हटाने वाली साजिश जो जिम्मेवार शागिर्दन कमिश्नर मसरूर हसन के जातो थे। उन करे हिन डी ते सिंध यूनिवर्सिटी के शागिर्दन के जलूस कढ़ी हैदराबाद में एक मुजाहरे में शरीक थियणो हो। उन मुजाहरे लाए शागिर्दन अदीबन जड़े जाम शोरे की पुल उकर हैदराबाद ना वध्या त पुलिस पेरे खेन जाम शोरे पुल ते रोको खेन राजपूताना अस्पताल लग रस्ते ते रोके पानी दबन वाले मैदान ते मथन वैशाणो तशद्दुद कयो सख्त लठबाजी कई। ही वैशाणी कार्रवाई डिविजनल कमिश्नर मसरूर हसन के चवण ते थी हुई जो इंडियन सर्विस के कामराज शाही जो पलियल मगरूर इंसान हो। उन जड़न कामरों की विरहांगे 1947 सजे मुल्क में बेगी मतल हुई। इन वाक्य में 307 शागिर्द गिरफ्तार थिया केतरन जा मथा फाटा। गिरफ्तार थियल शागिर्दन में उन वक्त जा मशहूर शागिर्द अगवान यूसुफ लेगारी अब्दुल रहीम समो मसूद नूरानी यूसुफ टालपुर मुजीब पीरजादो मसूद पीरजादो अशफाक मेमण लियाकत जतोई मुनवर मेमण मुजफ्फर हुसैन शेख आगा जाहिद रफीक सफ़ी शरीफ मेमण आफ्ताब इसरान जाम साकी बिया शामिल हुआ। गिरफ्तार शागिर्दन ते कोर्ट में केस हलायो वियो जैमें शागिर्दन पारा रसूल बख्श पली जो हफीज़ कुरैशी सीनियर मोहम्मद मेमण वकील हुआ। 4 मार्च जो दिहाड़ो जिते सिंध अंदर कौमपरस्त तहरीक जो बुनियाद साबित थियो उते हिन वाक़े शागिर्दन कौमी जागृता जो रूह भी फूकियो। 4 मार्च सिंध की सियासी जदोजहद जो आगाज शागिर्दन की जदोजहद जुरत के इजहार जो ढी है जै सिंधी मान के इजतमाय उत्साह बख्शो अगते हली सिंध में मुनजम कौमी पार्टी जन्म वरतो। वो दौर सिंधड़ी जो नालो वठण जन नाग ते पैर रखण बराबर हो। कागा शाह लतीफ के वही दौरा पौज मथा मुझे विज तो के निंदन हो दाधन जे हिन दे हम सिंधड़ी तुंहिंजो नाम वरितो मल जण नांग ते पेर पियो अला जण नांग ते पेर पियो दाधन जे हिन दे हम सिंधड़ी तुंहिंजो नाम वरितो मल जण नांग ते पेर पियो मल जण नांग ते पेर पियो।
मला किण नांदत केर पियो ताधन जे हिन देह में सिंधड़ी तुझो नाम तो मला किण नांदत केर पियो अला किण नांदत केर पियो विस्तड़े जी आवाज़ साई आजिज़ होजन जी शायरी से अजो के प्रोग्राम जा समूरा रंग हवाओं में बिखरी चुका पंजे मेज़बान हबीब लगारी के दींदा इजाज़त इन्हें दुआ से वसे भिट तुझी भलारा सदा सदा देश परदेश सारा वसन कदें सींद सिंध जी न मेरी थे कदें मोड़ कहजा न मुरझाएजन। दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख कौमी उमंगुन अखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन एं धरतीय सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन आई हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सदियों था अचो त गजी सूफिन आई संतन वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापस आन वाले सफर जा साथारी बन जाओ।
एक नई सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐं शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो ऐं सताबो थिए।